मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, आप पुणे में रहते हैं, आप बेंगलुरु में रहते हैं, तो कुछ और हो ना हो, लेकिन एक समस्या जो प्रमुख तौर पर सामने आती है वो है ट्रैफिक जाम की। दिल्ली वासियों के मुंह से तो हमने आसपास अपने कई बार ऐसा सुना भी है कि लगता है जब हम निकलते हैं तो एक साथ ही पूरी आबादी आ जाती है। इतने लोग सड़कों पर एक साथ कैसे आ जाते हैं? मतलब ऑफिस आर आप छोड़ दीजिए, ऑफिस के टाइमिंग को अगर आप छोड़ देंगे उसके बाद भी दिल्ली की सड़कों पर इतना जाम रहता है कि बस पूछिए ही मत। लेकिन अगर आप दिल्ली वासी हैं और आप ट्रैफिक जाम से परेशान हैं तो आपको राहत तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ सुकून। वो कहते हैं ना, अपने दुख से दुखी नहीं लेकिन दूसरे के सुख से इंसान जरूर सुखी होता है। हालांकि ये कहावत के तौर पर मैंने बोला है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दिल्ली में इतना ट्रैफिक जाम है, लेकिन फिर भी दिल्ली जो एक रिपोर्ट सामने आई है ट्रैफिक की समस्या को लेकर, उसमें दिल्ली काफी पीछे है और पूरी दुनिया में नंबर दो पर आया है मुंबई। जी हाँ, ट्रैफिक जाम के मामले में मुंबई ने बाजी मारी है। मुझे बाजी मारना कहना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली वासी यहाँ पर पीछे रह गए हैं। ट्रैफिक जाम के मामले में मॉस्को जो है वो पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है, जबकि मुंबई ऐसा शहर है जिसको दूसरे नंबर पर रखा गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या कितनी ज्यादा है। अच्छा, इन सब के अलावा जब कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, उसके बाद जब सड़कें सुनसान रहती थी, कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, और उसके बाद जब एयर इंडेक्स, एयर क्वालिटी जब बहुत अच्छी होती हुई नजर आई थी, तो लोगों को बड़ा सुकून मिलता था कि चलो धीरे धीरे शहर जो है वो साफ हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे अनलॉक हुआ, लोगों के ऑफिसेज खुले, फिल्मों की शूटिंग शुरू हुई, तो जाहिर तौर पर मुंबई में ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ गई। और सबसे बड़ी बात, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बजाय अपने निजी वाहनों को लेकर निकल रही हैं। इसका सबसे पहला कारण तो कोरोना ही है, क्योंकि दो गज की दूरी का पालन भी करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है और साथ ही साथ भीड़ में नहीं जाना है, और यही वजह है कि लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेकर निकल रही हैं। और इसी वजह से मुंबई में ट्रैफिक जाम की समस्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, इसने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक कंजेशन के मानकों पर मुंबई दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन वाला शहर बन गया है। बता दें आपको, बेंगलुरु छठे नंबर पर है और दिल्ली इसमें आठवें नंबर पर है, जबकि पुणे 16वें नंबर पर है। तो अगर दिल्ली वासी ये सोचते हैं कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक यहीं पर होता है तो ऐसा नहीं है, मुंबई ने पछाड़ दिया है। लेकिन हाँ, ये चिंता का विषय भी है क्योंकि जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा आने वाले वक्त में उतना ही ज्यादा पॉल्यूशन होगा और फिर उतनी ही ज्यादा बीमारियां होंगी। तो जाहिर तौर पर इससे बचने के लिए थोड़ा सा लोगों को भी जागरूक होना होगा और साथ ही साथ सरकार को भी कड़े एक्शन उठाने होंगे। तो कुल मिलाकर इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।